आप सबकी प्यारी मिष्टी यानी कि एक्ट्रेस रेहा शर्मा अपने रोल से जितनी नजर आती हैं उसे रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा अलग पर्सनालिटी रखती हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि मिष्टी जहाँ एक तरफ सिंसियर है, बहुत ज़्यादा शर्मीली है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो रेहा शर्मा मिष्टी के जस्ट ऑपोजिट काफ़ी ज़्यादा कूल हैं, बिंदास हैं, फन लविंग हैं और एंटरटेनिंग भी है। इस बात का सबूत रेहा शर्मा ने खुद अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में दिया, जहाँ पर उन्होंने अपने नाइट आउट्स के प्लान बताते हुए अपनी कुछ फेवरेट चीज़ें और अपनी पर्सनैलिटी को भी रिवील किया। मिष्टी से जब पूछा गया कि मुंबई में उनकी सबसे फेवरेट जगह कौन सी है, तो मिष्टी ने अपनी फेवरेट जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा, गेटवे ऑफ इंडिया, वहाँ पे जाकर बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है। समुद्र के किनारे बैठकर चने खाना और चाय पीना तो भाई मिष्टी का फेवरेट काम है, और मिष्टी को बखूबी चाय के बारे में काफ़ी अच्छी खासी जानकारी भी है कि कहां पर कौन सी चाय किस फ्लेवर की और कितनी अच्छी मिलती है। इतना ही नहीं, मिष्टी को मुंबई में चौपाटी पर जाकर पानी पूरी खाना ये भी उनका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कामों में से एक है, जहाँ मिष्टी ने खुद अपनी ये सारी फेवरेट चीज़ों का रिविलेशन करते हुए अपने फैंस को ये जानकारी दी कि अक्सर मैं चौपाटी में उस ब्रिज के ऊपर ही जाती हूँ, लेकिन आज मैं पहली बार यहाँ इस किनारे पर आई हूँ, और यहाँ पर आप आँख बंद करके सुनेंगे तो समुद्र की आवाज़, हल्की हल्की नेचर की आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, और मुझे ये सब कुछ बहुत पसंद है। इतना ही नहीं, मिष्टी तो रैप के मामले में काफ़ी ज़्यादा अपना नाम कमा चुकी हैं फैंस के बीच में। और आपको अगर नहीं पता है तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताए देते हैं कि जहाँ कुछ लोगों में लिखने का, गाना गाने का टैलेंट होता है, तो हमारी मिष्टी बेबी में है रैप करने का टैलेंट, और वो अच्छे खासे चीज़ों को रैप करके भी बड़ी बखूबी से बोल सकती हैं।